हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैंने इस लुक को क्रिएट किया है यूट्यूब वीडियोस शूट करने के लिए, और मैं किस तरीके से अपने मेकअप को रिमूव करती हूँ आफ्टर माय शूट, मैं कौन सा वाला स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपने मेकअप को रिमूव करूँगी काया का ये जो मेकअप रिमूविंग वाइप्स है, इसकी मदद से। एक वाइप से ही आप फुल मेकअप को रिमूव कर सकते हैं, हेवी मेकअप, बोल्ड आई लुक्स, ग्लिटर आई लुक्स और जो नॉन ट्रांसफरेबल स्मज प्रूफ लिक्विड लिपस्टिक्स होते हैं वो भी आप इससे इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ये वाइप्स बहुत अच्छा लगता है, एंड स्पेशली समर सीजन में अगर आप इस वाइप्स को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको रिफ्रेशिंग एंड कामिंग सा फील होता है। मैंने आज बहुत ज़्यादा मिनिमल एक मेकअप लुक क्रिएट किया था, सो मेरे आई शेडोज भी बिल्कुल बेसिक है। एक ही ब्राउन कलर का आई शेडो मैंने अप्लाई किया है, सो ग्लिटर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर होता भी है फिर भी ये वाइप काफ़ी अच्छी तरीके से इसे रिमूव करता है। और मैंने अपने आईज पर मेबलिन कोलोसल जो वाटरप्रूफ मस्कारा है वो अप्लाई किया है, सो मैं अपने आई लैशेस से उस मस्कारा को इस तरीके से रिमूव कर रही थी। और मैंने आज फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ कंसीलर इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैं अपने ब्राउ प्रोडक्ट को भी अच्छे से रिमूव कर रही हूँ, अपने आईज पर जो भी अप्लाई किया है वो रिमूव कर रही हूँ, एंड देन मैं अपने लिपस्टिक को भी रिमूव करूँगी। मेरी लिपस्टिक एक लिक्विड लिपस्टिक है जो कि वाटर प्रूफ है एंड स्मज प्रूफ भी है, बट इस वाइप के साथ मुझे बिल्कुल भी हार्श नहीं होना पड़ता अपने स्किन में, काफ़ी ईजिली रिमूव हो जाता है पूरा मेकअप। एंड मैं डबल क्लेंजिंग करना हमेशा पसंद करती हूँ। आज मैंने हेवी मेकअप नहीं किया है बट स्टिल मैं हमेशा डबल क्लेंज करती हूँ। लुक, कितना ज़्यादा मेकअप था फेस पर, एंड माई फेस इज़ टोटली क्लीन। फिर भी मैं डर्मा एसेंशिया का ये जो क्लेंजिंग लोशन है इसे मैं इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इससे डबल क्लेंजिंग प्रोसेस होता है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत माइल्ड है, एंड मैं अपने आईज पर जो भी प्रोडक्ट होते हैं एक्सेस वो मैं रिमूव करती हूँ इससे, क्योंकि आईज बिल्कुल भी इरीटेट नहीं होता। ये एक आप मेकअप रिमूविंग लोशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहते हो तो इसे एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बहुत माइल्डली और ईजिली सारे मेकअप एक्सेस डर्ट रिमूव हो जाते हैं। फिर मैंने अपने फेस को डैम्प किया रोज वाटर से, एंड देन मैं मदर्स पर्च का ये जो प्लांट पावर्ड फेस वॉश है ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली मैं सेकेंड टाइम यूज़ किया मैंने आज, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। ये ना थोड़ा सा थिक है, बहुत ही ज़्यादा थिक है इनफैक्ट, तो मुझे उतना ज़्यादा थिक फेस वॉश अच्छा नहीं लगता। एनीवेज इट डज द जॉब, ये काफ़ी अच्छे से आपके फेस को क्लीन करता है, विच इज़ वाई मैं इसे कभी कभार इस्तेमाल कर लेती हूँ। एंड फिर मैंने अपने फेस पर ये टोनर इस्तेमाल किया, ये है गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टोनर्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं अपने फेस पर ज़रूर एक टोनर को यूज़ करती हूँ, एंड अपने डैम्प स्किन पर भी मैं इस सीरम को यूज़ करती हूँ। दिस इज़ माई करंट ऑब्सेशन। मैं अजानिया एक्टिव केयर का ये जो हाइलुरोनिक सीरम है ये मैं दिन में दो बार डेफिनेटली यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये फेस को एक अलग सा ग्लो देता है। नेक्स्ट मैं अपने फेस पर ये स्टेरिल्स कॉस्मेसूटिकल्स का क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक लोशन फॉर्म में है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है येट हाइड्रेटिंग है, जो ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। यू कैन सी माई फेस इज काइंड ऑफ डैम्प, ये थोड़ा सा मैं डैम्प स्किन पर ही सीरम और क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी स्किन में पेनिट्रेट होता है, अब्जॉर्ब होता है। डे टाइम में मैं शूट कर रही थी तो मैंने एक सनस्क्रीन भी इस्तेमाल किया है। आई नो आई एम गोना स्टे एट होम बट स्टिल मैं घर पे भी सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ डे टाइम में। मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ वाउ स्किन साइंस का ये जो एंटी पोल्यूशन सनस्क्रीन है इसे, और मुझे आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करना था, एंड तब से ही मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ इस्तेमाल करना, मुझे इतना पसंद आ रहा है। मैंने अपने व्लॉग्स में भी दिखाया था, एंड मैंने अपने हेयर को ब्रश कर लिया, एंड दिस कम्प्लीट्स माई स्किन केयर रूटीन, माई पोस्ट शूट मेकअप रिमूविंग रूटीन। ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन। बाय।